दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका मेरी इस वीडियो में। साथियों, जैसे कि आप लोगों ने बार बार हमें कमेंट में बोला था कि तस्वीर को फ्रेम कैसे किया जाता है, इस फ्रेम को किस तरह बनाया जाता है और किस तरह लगा के दिखाया जाता है, तो जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ बैक साइड और फ्रंट साइड। ठीक है, ये तस्वीर हमने किस तरह मढ़ी है ये आपको लगातार देख रही है वीडियो में, और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो करते हैं शुरू। तो साथियों, जैसे कि आप लोगों ने बार बार हमें कमेंट करके पूछा था कि फ्रेम किस तरह बनाते, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये एक बिल्डिंग होती है, ये मॉल की बिल्डिंग आती है, डिजाइन वाली बनी हुई बिल्डिंग। ठीक, फ्रेम के लिए अलग से बिल्डिंग मंगाई जाती है। ठीक है, ये करन काटना जो ठिया होता है इससे हम करन काटते हैं, और फ्रेम की बिल्डिंग को इस तरीके से काटा जाता है कि बड़ी सफाई से और फिनिशिंग से। तो इसे काटने के बाद साथियों, आपको 20 नंबर का चोबा लेना होता है, एक इंची लंबा 20 नंबर का चोबा, इसे ठोक कर इसको चारों तरफ से आप पूरी तरह से अच्छे से जो है हैंग कर लेंगे। ठीक है, अब आपने देखा ये पूरी तरह से हैंग हो गया है, तो फ्रेम जो है आपका लगभग बन के तैयार हो गया है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है फ्रेम बनाना, आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं। ये जो करन काटना ठिया होता है इसको जो है आपको साथ में रखना है, और इससे ही आपको फ्रेम बनाने आएगा। तो अभी आपको हम दिखाने वाले हैं फ्रेम बनने के बाद, ये जो तस्वीर रखी हुई है भगवान श्री कृष्ण और साथ में, तो ये जो तस्वीर है इस तरीके से देख पा रहे होंगे आप। ये अब ये यहाँ पे जो है फ्रेम जो बन गया है अच्छी तरह से, इस तस्वीर को लगाया भी जाएगा। तो सबसे पहले आपको बताते हैं इस तस्वीर को लगाने के लिए, जैसे कि हमने फ्रेम बना लिया, इसमें जो ग्लास लगता है वो 3mm का लगता है। ठीक है, ये 3mm का काफ़ी पतला ग्लास होता है, इसमें वजन नहीं होता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी सस्ता भी होता है। ये 3mm का ग्लास जो है हम लगाते हैं दोस्तों। ये जो काटने वाला कलम है ये मार्केट में कहीं भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप औजार वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, इसके अंदर एक डायमंड होता है, उससे उसके ज़रिए इस ग्लास को काटा जाता है। तो यहाँ पे हम जो शीशा काट चुके हैं, शीशा को अंदर फंसा चुके हैं, इसको प्रॉपर तरीके से साफ़ कर लेंगे, और साफ़ करने के बाद हमें जो है इसके अंदर शीशा में ये तस्वीर लगा देंगे। जैसे कि आप लोगों ने देखा, इस तरीके से हमने इसको फ्रेम में लगा दिया। अभी आपको दिखाना बाकी है, अभी आपको एक चीज़ और बताना बाकी है दोस्तों, जाना नहीं कहीं भी, क्योंकि इसके जो बैक साइड में प्लाई जो लगाते हैं वो कैसी लगाते हैं और किस तरीके से रोकी जाती है। तो लगातार वीडियो को बने रहिए दोस्तों। जैसे कि आप देख रहे होंगे इसमें MDF है 3mm की। ठीक है, ये 3mm की एक MDF आती है, इसको हम पीछे की तरफ लगाते हैं, ये गत्ता नुमा होती है, इसको हम काट लेंगे आरी से। काटने के बाद इसको इसमें फिट कर देंगे दोस्तों। तो दोस्तों एक चीज़ बोलना मैं चाहता हूँ आप लोगों से, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए, और चैनल पर नए हो तो राइट साइड में नीचे की तरफ सब्सक्राइब लिखा होगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, हमने ये जो है प्लाई काट ली है, प्लाई काटने के बाद इसको फ़ोटो को अंदर फंसाने के उसके ऊपर ये जो पिन आप देख रहे हैं, इस पिन से हम इसे अच्छी तरह से इंस्टॉल कर देंगे। यह पिन काफ़ी महंगी नहीं है, बहुत सस्ती होती है, और ये जो मशीन है ये स्टेपलर मशीन बोलते हैं इसको, ये स्टेपलर मशीन है, काफ़ी वैसे महंगी आती है, ये 3 से 3,500 रुपये की आती है। और ये जो देख पा रहे होंगे ये छोटी छोटी बहुत बारीक सी, इसके अंदर जो पिन लगाई जाती है वो पिन बोलते हैं इसको। ठीक है, पत्ती नुमा होती है, इसे लगाने के बाद हम लोग टेप क्यों मारते हैं, जिससे कि आपका जो पत्ती लगाई हुई है लोहे की, ये चुभे नहीं किसी के हाथ में, और एक शाइनिंग फिनिशिंग बनकर आ जाए। इसके लिए हम बैक साइड में टेप लगा देते हैं। तो साथियों, फ्रेम आप बनाना सीख ही गए होंगे, फ्रेम बनाना कितना आसान है, और अब से आप फ्रेम जो है किसी भी तरह का फ्रेम हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। और भी बहुत सारे फ्रेम हम बनाते हैं, और इसके अलावा और भी फ्रेम बनाकर आपको हम दिखाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अगर अच्छी लगती है लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। ये फ्रेम हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो मशीन का नाम तो बता दो, का है मशीन का नाम? अभी हम आपको बताएंगे फ्रेम को टांगने के लिए एक पत्ती होती है, इसमें छोटे छोटे आधा इंच के पेच आते हैं, उन पेचों को लगा दिया जाता है, जिससे कि ये फ्रेम जो है दीवार पर टांगने में आसान होता है, और इसे टांग दिया जाता है। तो ये लीजिए, आप इसे कस लीजिएगा, आपके पास
पेचकस है तो पेचकस, और नहीं तो हमने तो इसी से कस लिया है। कोई नहीं, किसी से भी कस सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए। आपकी तस्वीर होगी पूरी तरह से तैयार। तो मिलते दोस्तों ऐसी कोई अगली वीडियो। नमस्कार दोस्तों, गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।